जो गौतम जी है वो बसपा के उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे हैं, आज वो भीमर में ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों जोर से एक बार स्वागत करें, जय भीम। साथियों आपकी आवाज यहाँ से दिल्ली से सहारनपुर की जेल में जाए कि वो शेर भी सुने कि मेरी सेना में एक शेर और शामिल हो रहा है। सम्मानित साथियों, अपनी बात को आपके बीच में रखने से पहले इस दुनिया में जितने लोगों ने भी मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बुद्ध, फूले साहू, बाबा साहब, साहब काशीराम और ऐसे रविदास, कबीरदास जैसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और जो अभी हमारे लिए काम कर रही हैं उनके लिए भी नमन करते हुए मेरा उनसे कोई गुरेज नहीं है। और मंच पे विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए भीम आर्मी के बाबा साहब के सभी सिपाहियों, आप सभी को जय प्रकाश अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। साथियों समय कम है, थोड़े से समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। कौन कहता है कि जग में कुछ कर नहीं सकता कोई अकेला, कौन कहता है कि जग में कोई कर नहीं सकता अकेला। आसमान में लाखों तारे होते हैं लेकिन रोशनी करता है चंद्रमा अकेला। इस जंगल में लाखों जानवर होते हैं लेकिन दहाड़ मारता है शेर अकेला। मूसली आप जानते होंगे, ओखली में हजारों दाने होते हैं लेकिन चोट मारता है मूसल अकेला। समाज के लोगों, इस देश में मनुवाद की ताकत को मजबूत करने के लिए इस देश में बहुत से लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर चोट मारता है चंद्रशेखर रावण अकेला। आप लोगों ने मुझको यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा, सारी घटना आपने जानी होगी लेकिन ये भीम का सिपाही ये वचन देता है कभी मिशन को पीछे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझको गोली अपने सीने पे खानी पड़े। कभी मिशन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम पार्टी के लोगों ने मुझे ऑफर दिया, हम तुम्हें ये कर देंगे लेकिन मुझे पता है किसी भी प्रकार से हमारी नेता ने हमारी भीम आर्मी के लिए कुछ भी कहा हो वो उनका विवेक है, लेकिन मैं जानता हूं चंद्रशेखर भीम का सिपाही है, कभी भी बाबा साहब के आंदोलन को धोखा नहीं दे सकता। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में बाबा साहब के आंदोलन के लिए काम करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मुझको बताया है, मुझको जानकारी मिली है, यहीं पर इन लोगों ने संविधान चलाने का काम किया था, आज आप लोगों ने बताने का काम किया है, आपने यहाँ पे अपनी प्रति देने का काम किया है संविधान की। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये चालाक किस्म के लोग इस संविधान को बदलने की फिराक में घूम रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बाबा साहब के सिपाहियों, इस आंदोलन में काम करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बाबा साहब के आंदोलन में काम करने का मतलब है दहकते हुए अंगारों पे चलने के समान है बाबा साहब के आंदोलन में काम करना, नंगे पैरों को नंगे पैरों से राम देने के समान है बाबा साहब के आंदोलन में काम करना, इस नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने के समान है बाबा साहब के आंदोलन में काम करना और दुश्मन को ललकारना है। क्या है देश के चला किस्म के लोगों, हमने तुम्हारे सारे वेद पढ़ के देखे, मनुस्मृति पढ़ के देखी, रामायण गीता महाभारत सारी पढ़ के देखी और पढ़ने के बाद पता चला कि सारे के सारे खोखले हैं। अगर यकीन नहीं आता तो तराजू के एक पक्ष पे अपने सारे ग्रंथ रख करके देख ले और तराजू के दूसरे पल्ले पे मेरे बाबा साहब का केला एक संविधान रख करके देख।
आपको कहना होगा, जब इस देश के अंदर राम राम बालक की सरकार बन सकती है, हमें कोई परहेज नहीं है, हम कुछ नहीं कहते उसके बारे में। राधे राधे वालों की बन सकती है, कृष्णा कृष्णा वालों की बन सकती है, तो इस देश के अंदर जय भीम वालों की सरकार भी बन सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, गुलामी के लिए जीने से अच्छा है आजादी के लिए मर जाओ। नहीं जीना हम लोगों को, हमको जब तक जीना है आजादी से जीना है। बाबा साहब के एक एक सपने को पूरा करेंगे और कहना चाहते हैं, तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहां तक है, हम भी देखते हैं तेरे अत्याचारों की सरहद कहां तक है। हम भी बाबा साहब के सपनों को पूरा करके रहेंगे, रोक सके तो रोक ले और लगा ले अपनी ताकत, तेरी ताकत जहां तक है। जो ये चालाक किस्म के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, संविधान बदलने से पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। मेरे ओबीसी समाज के लोगों से कहना है, मेरे मुस्लिम समाज के लोगों से कहना है, अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, जाकर के समझाना अपने समाज को, इस देश में अपनी औरतों को बुर्का पहनाना चाहते हो तो आप लोगों को इस मूवमेंट में आना पड़ेगा। अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हो, उसमें नमाज पढ़ना चाहते हो, सर पे टोपी रखना चाहते हो, शरीर पे अपने चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहते हो, तो ये तब तक ही संभव है जब तक इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। इस संविधान को जिंदा रखने के लिए आपको मेरा निवेदन है, आओ किसी से डरना बंद कर दो, हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। ये भीम के सिपाही तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे दुश्मन के आसाम से आने वाली गोली को अपने सीने पे खाएंगे, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं आने देंगे। ऐ मेरे भीम के सिपाहियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मुझको जानकारी मिली है भीम आर्मी के साथियों के अंदर बहुत ज्यादा जोश है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, जोश के साथ बहुत जरूरी है, जोश के साथ होश जरूरी है। अगर जोश के साथ होश नहीं होगा तो जोश का फायदा कोई दुश्मन उठा करके ले जाएगा। दोस्तों आपको समझना होगा, इस देश में बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती। और नौक अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकत है कहाँ? ताकत खेत में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत किसी प्रदेश में नहीं है, ताकत देवी देवताओं में नहीं है, ताकत मंदिरों में नहीं है। अगर इस देश के अंदर ताकत मंदिरों में होती तो योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मंदिर को छोड़ के मुख्यमंत्री नहीं बनता। राजनीति गंदी चीज है। आप मेरी बात हुई थी रात को, हमारे भाई साहब ने भी बताया था, हमारे भाई साहब ने बताया था, अभी शायद लेटर आपके बीच में आएगा, लेटर आपके बीच में आएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आप विश्वास करते हो आपके उस विश्वास को खरा उतारने का काम करेंगे अपने आप। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम आएंगे आपके बीच में, जब तक कुछ नहीं होता है तब तक हम आएंगे आपके बीच में, जो भी होगा अच्छा होगा, सारे लोग मिलकर के बात करेंगे, सारे लोग बैठ करके स्टेज ही बनाएंगे और उसके बाद इस संगठन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अपने एक एक गांव में हमारा भीम का सैनिक होगा, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे हमारे दलित समाज के लोग हो, चाहे आदिवासी समाज के लोग हो, सभी को बराबर सम्मान दिया जाएगा। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करता हूँ और कहना चाहता हूँ, कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी उंगलियां अपने जज्बातों से, मैं कुछ भी लिखता हूँ तो केवल जय भीम मुझे लिखाई और दिखाई देता है। इस देश में मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर जो विवाद हुआ था आप लोगों को मालूम है, मैंने कोई खास गलत बात नहीं कही थी, लेकिन हमारे नेता का फैसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, ऐ देश के ब्राह्मण भाइयों, हम आपके विरोध में नहीं है, हम इस देश की व्यवस्था के विरोध में है। ऐ मेरे राजपूत समाज के भाइयों, ऐ मेरे वैश्य समाज के भाइयों, हम किसी के विरोध में नहीं है। अगर अपनी लड़ाई लड़ने वाले होते तो हम कब के अपनी लड़ाई को जीत जाते, ये तो सौभाग्य है इस देश का कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है,
कि लुटते हुए समाज को देख करके जो खून खोला नहीं, ऐसे खून की रवानी किस काम की, और कर्ज महापुरुषों का चुकाए बिना चली जाए तो बताओ मेरे दोस्तों ऐसी जिंदगानी किस काम की। मैं आपके बीच में आता रहूंगा, पूरी प्लानिंग बनाएंगे, और जैसा भी उस समय डिसीजन होगा, जो भी मनुवादी ताकतों को रोकने के रूप में इस समय विकल्प के रूप में हमको दिखाई देगी, उस पर हम खुला अपना समर्थन करेंगे। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सभी साथियों को।